Good morning viewer, welcome to my YouTube channel VP Academy. So today in this video we are going to see exercise 3.2 और उसका question 2. So question 2 में सबसे पहले first number पे है, for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? An equation is given 2x plus 3y is equal to 7. And second equation a minus b into x plus a in plus b into y and is equal to 3a plus b minus 2. So यहाँ पे जो second equation है उसमें a minus b x का coefficient है, a plus b y का coefficient है और 3a plus b minus 2 वो constant term है. तो यहाँ पे हमें a और b की value find करनी है. तो उसके लिए जो question में condition दी गई उसे हमें use करना होगा. कौन सी condition है? लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. जो इक्वेशन दिए गए है उसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है. सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन से हम जो रेशियो की एक कंडीशन यूज कर सकते हैं. कौन सी कंडीशन? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. अगर ये कंडीशन होगी तो हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा. So, सबसे पहले इसे लिख देते हैं, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन we must have. कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. अगर ये कंडीशन फॉलो करता है इक्वेशन तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे. सो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सो हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने a1 वन अपॉन ए टू में कैपिटल लेटर यूज किया. क्यों? क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी a और माइनस b, a एंड b दिया गया है तो हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना होगा. ओके सो ये मिक्सअप ना हो जाए. नाउ इनका रेशियो हम कंपेयर करते हैं. सो a1 वन अपॉन ए टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a1 वन टू एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन a2 टू ए माइनस बी. So we get 2 upon a minus b is equal to b1 upon b2. From equation 1, b1 is equal to 3 and from equation 2, b1 is equal to a plus b is equal to c1 upon c2. From first equation c1, 7 and from second equation c2, 3a plus b minus 2. ओके तो हमें इस टाइप का एक रेशियो मिल जाएगा. अब इनमें से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कैसे फाइंड करेंगे? सो सबसे पहले इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे. ओके फर्स्ट जो ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू इन दोनों की कंपैरिजन करें, उसके बाद हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स सी, पहले इनको कंपेयर करते हैं. सो नाउ 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b. Now we take cross multiplication. इन दोनों का multiplication होगा और इन दोनों का multiplication होगा. तो 2 का multiplication a plus b के साथ होगा तो 2 multiply a 2a हो जाएगा plus 2 multiply b 2b हो जाएगा is equal to 3 का multiplication a minus b के साथ होगा. So ये हो जाएगा 3a minus 3b. ओके नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी टेक 2a राइट हैंड साइड. सो वो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 3b को हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे सो वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a और 2a को राइट हैंड साइड मूव करेंगे सो हो जाएगा माइनस 2a. नाउ 2b plus 3b, so it become 5b. And 3a minus 2a, so ये हो जाएगा a, so is equal to a. So we get equation first. इसे हम solution 1 दे देंगे.
Now we take this two ratio means b1 upon b2 and c1 upon c2 को हम compare करेंगे. Now यहां से हम लेंगे 3 upon a plus b is equal to यहां से लेंगे हम 7 upon 3a plus b minus 2. ओके इस तरह से हम लास्ट टू रेशियो का कंपैरिजन करेंगे. नाउ अगेन क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 का मल्टीप्लाई 3a plus b minus 2 से होगा. सो 3 मल्टीप्लाई 3a सो इट बिकम 9a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b सो 3b एंड 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 7 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा a plus b के साथ. सो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b. ओके नाउ 7a और 7b को हम लेफ्ट साइड मूव कर देंगे. सो 9a लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव. ओके देन प्लस 3b अगेन 7b लेफ्ट हैंड साइड सो बिकम नेगेटिव एंड इज इक्वल टू 6 को हम राइट साइड मूव कर देंगे सो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके Now 9a minus 7a, so it become 2a plus 3b minus 7b. Okay, plus 3 वो positive है और ये negative है, तो इन दोनों का subtraction होगा. 7 minus 3 क्या होगा? 4. और यहाँ पे big digit negative है, so answer आएगा minus 4b is equal to 6. Okay, now here we take the value of A from solution 1. Solution A, 1 में से हम A की value put करेंगे 5B. So, 2 into 5B minus 4B is equal to 6. Now, 2 multiplied by 5B, so it become 10B minus 4B is equal to 6. Now, 10B minus 4B, क्या हो जाएगा? 6B is equal to 6. Therefore, B is equal to 6 upon 6 and 6 1 जा 6, so B equal to 1. B की value हमें मिल चुकी है 1. Now, this value we put in solution 1, so we get value of A. So, from solution 1, solution 1 में हमारे पास क्या है? A is equal to 5B. Here we put the value of B and it is 1. So 5 ones are 5. So we get A is equal to 5. Okay. So finally we get answer A is equal to 5 and B is equal to 1. Now let's see second number. So second number question kya hai? For which value of K will the following pair of linear equation have no solution? And equation is given 3x plus y is equal to 1 and second equation 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y and is equal to 2k plus 1. So, यहाँ पे कौन सी condition दी गई है? Equation has no solution. So, अगर solution नहीं है, तो हम कौन सी condition use कर सकते हैं? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and not equal to C1 upon C2. So, here equation have no solution. Then हम condition use करेंगे A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and not equal to C1 upon C2. Okay? Now यहाँ से हम coefficient write कर देते हैं. Therefore A1 from equation 1, 3 and A2 from equation 2, 2k minus 1 is equal to B1 from equation 1 and it is 1 upon B2 from equation 2 and it is k minus 1 not equal to C1 from equation 1 and it is 1 upon C2 from equation 2 and it is 2k plus 1. Okay? Now हम रेशियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वल हैं और ये थर्ड वाला जो है नॉट इक्वल है तो हमें यहाँ पे इन दोनों की ही कंपैरिजन करनी है. इनकी कंपैरिजन नहीं होगी क्योंकि ये नॉट इक्वल है. सो सिंपली हमें इन दोनों की कंपैरिजन करके k की वैल्यू इजीली फाइंड कर देंगे. सो नाउ
3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1। ओके, इस तरह से इन दोनों की हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्रॉस पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 3 multiply k minus 1 is equal to 1 multiply by 2k minus 1। सो 3 का मल्टीप्लिकेशन k माइनस 1 के साथ हो जाएगा। सो 3 multiply k 3k and 3 multiply by 1 minus 3। सो 3k minus 3। ओके, नाउ हियर 1 multiply with 2k minus 1, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा। सो इज इक्वल टू 2k minus 1। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 2k मूव लेफ्ट साइड, सो इट बिकम नेगेटिव। सो 3k minus 2k इज इक्वल टू और माइनस 3 है वो राइट हैंड साइड मूव हो जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव -1। नाउ 3k minus 2k सो इट बिकम k एंड 3 minus 1 इट बिकम 2। सो फाइनली वी गेट k इज इक्वल टू 2। अगर हम इक्वेशन में k की वैल्यू 2 प्लेस कर देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब कि नो सॉल्यूशन। सो आई होप के क्वेश्चन 2 के दोनों सम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन के साथ, ताकि आने वाले सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको 10th क्लास के सभी चैप्टर फुल कोर्स अवेलेबल कराने जा रहा हूँ, वो भी फ्री में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।